मैं आपका अपना मुजाहिद सोलंकी। मेरी बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी और उम्मीद है आपको उन वीडियो से क्रिकेट सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आज जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ उसका सबसे बड़ा मकसद है, बहुत से दोस्तों को पता नहीं होता कि किस तरह से बल्ले को पकड़ा जाता है, किस तरह से स्टांस होता है, किस तरह से खड़ा होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी होती है। अब दुनिया में बहुत से प्लेयर्स हैं, उनका अपना एक स्टाइल होता है खड़े होने का, किस तरह से स्टांस लेते हैं, लेकिन क्रिकेट बुक के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट कोचेज़ जो हैं वो आपको बताते हैं। मेरी भी कोशिश है कि मैं उन क्रिकेटर्स को जिनको थोड़ी बहुत इस मामले में नॉलेज ना हो उनको थोड़ा सा बताऊँ। सबसे पहले बात होती है कि ग्रिप किस तरह से बल्ले को पकड़ा जाए। तो सबसे पहले ये आपका प्रॉपर स्टांस होना चाहिए, इस तरह से आप खड़े रहें और उसके बाद आपने बल्ले को पकड़ा। अब मेरा ये स्टांस है, आप देखें थोड़ा, यहाँ से मैं कहूँगा कैमरामैन आके इसको रिकॉर्ड करें। मेरा बैलेंस जो है बॉडी का वो दोनों पाँव के ऊपर है, ऐसे नहीं है कि एक टांग इस तरफ है या दूसरी टांग इस तरफ है। अगर इस तरह से आप खड़े रहेंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस होगा वो किसी एक टांग पे होगा, तो वज़न जब आपका एक टांग पे होगा तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे। तो पहले तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दोनों टांगें मेरी देखें बिल्कुल बैलेंस है, मेरी बॉडी का जो वज़न है दोनों टांगों के ऊपर है। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बैट्समैन के लिए जब वो खड़ा होता है। बल्ले को पकड़ने का तरीका सबसे पहले ये है, ऊपर वाला हाथ देखें वी शेप में आपको नज़र आएगा, उसके बाद दूसरा जो हाथ है वो भी ये वी शेप है। तो बल्ले को जिस तरह से आपने पकड़ना है वो बिल्कुल दोनों हाथ आपका ऊपर वाला हाथ भी इस तरह से वी शेप की सूरत में नज़र आए, बिल्कुल इस तरफ बल्ले की टो के ऊपर। तो ये ऊपर वाला, ये दूसरा हाथ मैंने रखा, ये भी वी शेप है। उसके बाद आपने जब खड़ा होना है तो आपने बिल्कुल पाँव के ऊपर बल्ले की टो को रखना है और ये जो ग्रिप है इसको आपने अपनी थाई में रखना है। इसलिए थाई में रखना है कि अगर मैं बल्ले को ऐसे पकड़ दूँ तो पूरा जोर मेरा बल्ले को पकड़ने पे लग जाएगा, तो मेरी जो स्टेमिना है वो इस पे ज़ाया होगी। क्या देख रहे हैं, अभी तक तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये आपको एक तो मैंने बताया कि खड़ा होना कैसे होता है बैट्समैन के लिए, फिर ग्रिप। यहाँ पर अगर मैं खड़ा रहूँगा तो मैं थकूँगा कम, मेरी स्टेमिना ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी क्योंकि मुझे इस टांग से सपोर्ट मिल रही है बल्ले को पकड़ने की। तो ये प्रॉपर स्टांस है आपका खड़ा होने का। अगर मुझे सामने से देखेंगे तो बिल्कुल आपको सीधा लगेगा और मेरी जो ये चिन है ये आपकी तरफ है, मतलब आप एम्पायर हो, एम्पायर की तरफ आपका लाजिम है कि आप उसको देखें। तो ये प्रॉपर स्टांस है विकेट पर खड़ा होने का, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनको क्रिकेट में गार्ड लेने में तकलीफ़ होती है, उनको पता नहीं होता। अब बहुत से बैट्समैन विकेट पर आते हैं, कहते हैं एम्पायर वन लेग, एम्पायर टू लेग। अब मुझे कभी कभी ये होता है कि इनको पता है कि वन लेग कैसे कहते हैं, टू लेग कैसे कहते हैं, क्यों लेते हैं, ये बहुत से दोस्तों को पता नहीं होता। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसका मकसद क्या होता है। अगर जो बैट्समैन बिल्कुल लेग स्टंप ले रहा होता है, सबसे पहले होता था मिडिल, अगर आपने मिडिल ले लिया तो मिडिल लेने वाला जो बैट्समैन है वो, उसको आप समझें कि वो दोनों तरफ अच्छी बैटिंग करने पे महारत रखता है, क्योंकि जब वो बीच पे आता है तो उसकी नज़र ऑफ साइड पे भी होती है, स्ट्रेट भी खेलता है, लेग साइड पे भी खेलता है। तो जो मिडिल लेता है, कप्तान भी इस नज़र पर रखें कि जो मिडिल स्टम्प लेता है वो फोकस होता है दोनों तरफ खेलने में, उसकी महारत होती है। फिर आते हैं जो लेग स्टंप लेता है, लेग स्टंप लेने के बाद बैट्समैन के पीछे ऑप्शन नहीं होता, कोई भी बॉल होती है तो वो वाइड हो जाती है। जो बैट्समैन लेग स्टंप लेता है उससे कप्तान को ये आइडिया लगाना चाहिए कि वो जो बैट्समैन लेग स्टंप ले रहा है वो ऑफ साइड पे खेलने को पसंद करता है, उसकी जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि वो ऑफ साइड पे ज़्यादा खेलना चाहता है, तो इसलिए वो लेग स्टंप लेता है। तो सबसे पहले तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के बैट्समैन हैं, दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं तो फिर आप मिडिल स्टंप ले लें, अगर आप ऑफ साइड पर अच्छा खेलते हैं तो फिर आप लेग स्टंप ले सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। और जो दुनिया के अच्छे अच्छे कैप्टन्स होते हैं, जो कोचेज होते हैं, वो बैट्समैन के स्टांस से पता लगा लेते हैं कि ये बैट्समैन किस टाइप का है। तो इसलिए हेड कोच, बैटिंग कोच, सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि इन चीज़ों को मॉनिटर करें। मेरा इस चैनल से आपको बताने का मकसद भी ये है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आप
कुछ सीखने को मिले। जब सीखने की बात आती है तो मुझे उम्मीद है आप मुजाहिद का जो यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स विथ मुजाहिद सोलंगी, स्पोर्ट्स विथ मुजाहिद सोलंगी, इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसके बेल आइकन बटन को दबाएंगे कि आने वाली मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। तो क्या सीखा है आज? सबसे पहले तो बल्ले को पकड़ने का तरीका वो क्या था, उसके बाद स्टांस की अहमियत, किस तरह से खड़ा होना होता है, और उसके बाद आपने जो वन लेग लेते हैं, लेग स्टंप लेते हैं, वो आपको बताया कि उसका बेसिक मकसद क्या होता है। तो अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगी उसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। चैलेंज करता हूँ, जो मेरा आने वाला वीडियो होगा वो दुनिया के बहुत से कोचेस जो काम कर रहे हैं उन्होंने आज तक किसी को नहीं सिखाया होगा। जी हाँ, बैट्समैन हमारा, ख़ासतौर पर हम पाकिस्तानी बैट्समैन की बात करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भाई हमारे यहाँ पिचेस सपोर्ट नहीं करती, वहाँ का वेदर हमें सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम नाकाम हो जाते हैं। लेकिन उनकी नाकामी क्यों होती है वो मैं आपको अपकमिंग जो वीडियो होगी उसमें आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर हम लेक हैं, कहाँ कहाँ पर हमें गलती कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। चैलेंज करता हूँ, अगर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप वर्कआउट करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर वर्कआउट करें, ग्रास रूट लेवल पे इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक सिर्फ 3 साल इस प्रॉपर वे की प्रैक्टिस पे जोर दें, तो अगले 3-4 साल के बाद पाकिस्तान में कोई वजह नहीं है कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन पैदा हों। पैदा तो होते रहे हैं, दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं हमारे यहाँ, लेकिन इन दिनों में आपके पास बैट्समैन की वैरायटी इतनी अच्छी नहीं है। 2-1 साल के बाद प्लेयर आता है, निकल जाता है, लेकिन क्यों? कि उसके पास वो चीज़ नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैलेंज है मेरा, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स विथ मुजाहिद सोलंगी। आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप दुनिया के बॉलर्स को फेस कर सकते हैं।